हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमित शबाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल 24 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक। 24 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक के लिए हमारी 12 राशियों का हाल टैरो कार्ड्स बताएंगे। वो बताएंगे कि ये हफ्ता आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आया है। तो शुरू करते हैं हम अपना टैरो कार्ड रीडिंग। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कम्प्लीटली आपके साथ रेजोनेट हो, पूरी आपके साथ मैच करे, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आप अपने जिस भी राशि से अपना राशिफल देखते हैं उसी राशि को फॉलो करिएगा, और जिस भी राशि का आपको राशिफल देखना है वो रीडिंग से देख लीजिएगा। बाय चांस अगर वो आपके कंपैटिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से हर किसी के पास चंद्र राशि होती है, लगन राशि होती है, वेस्टर्न ज़ोडियक साइन होता है, नाम राशि होती है, आपको जिससे भी लगे कि हाँ इससे मुझे अपना राशिफल देखना है, आप अपना राशिफल देख सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये राशिफल कितना आपके लिए कंपैटिबल रहा, कितना आपके साथ मैच करा। तो चलिए बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की, जेमिनाइज के लिए, कि उनके लिए ये इस वीक की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो मैं 3 कार्ड निकालूंगी, माइंड बॉडी सोल। तो माइंड के लिए क्या कार्ड आया है आपके, बहुत सुंदर, बॉडी एंड सोल। यस, माइंड के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है जेमिनाइज आपके लिए। आपके लिए आया है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड मतलब आपको आराम करना, अपने लिए खर्चा करना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान रखना, एम्प्रेस की तरह रहना। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेल हैं वो बॉयज़ हैं या मेन हैं, या मेल जो हैं वो एम्प्रेस की तरह नहीं रह सकते। एम्प्रेस का मतलब यहाँ पे ये दिखता है कि फर्टिलिटी, पॉजिटिविटी, केयरिंग और पॉजिटिव फेथ, ये दिखाता है, और फर्टिलिटी भी दिखाता है। तो ये कहता है कि जो जेमिनाइज है वो बहुत ही इस वीक बड़े परफेक्ट रहने वाले हैं। बिल्कुल अपने से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपनी तरफ ध्यान देंगे, अपने आप को संवारेंगे और इंजॉय करेंगे, लोगों की चिंता करेंगे, प्यार बांटेंगे, प्यार अपनी ज़िंदगी में रहेंगे, यानी कि खुश मिजाज रहेंगे। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स का कहीं भी ये दिखता है कि हो सकता है वो फैमिली वे में आ जाए, यानी उनकी फैमिली आगे बढ़ जाए। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और हो सकता है जेमिनाइज जो है उनके माइंड में कुछ चल रहा हो कि वो आगे जो है अपने लाइफ को बढ़ाएं, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताएं, अपने पार्टनर को पैम्पर करें और खुद भी उनको चाहें कि उनको भी पैम्पर किया जाए। कार्ड तो यही कहता है। शादी की भी प्लानिंग कर सकते हैं, रिश्ता भी तय हो सकता है, कुछ इस तरह का भी सिचुएशन दिखता है। तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि हमें बहुत खुश रहना है, हम बहुत खुश हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉडी के लिए देखें तो बॉडी में थोड़ा सा जो है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, जो कि कहता है कि माइंड की तरफ ध्यान दो। बॉडी कहती है माइंड की तरफ ध्यान दो, उस चक्कर में बॉडी अपना ध्यान नहीं दे रही, यानी अपनी हेल्थ को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन्स आपकी आपको रहेंगी कि आपको दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आपको फीवर आ गया तो क्यों आ गया, एक डर, एक फियर ऐसा दिखता है कि आपको कुछ एक अपनी बॉडी को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी। और आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है ही हेल्थ के मामले में। यहाँ ये भी दिखता है कि आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे और अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोई आपको समझाएगा भाई ऐसे हेल्थ हो रहा है तो ये दवाई ले लो, ऐसा हेल्थ हो रहा है तो ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो यहाँ पे आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं होंगे, बस आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। कुछ यहाँ माइंड में तो बहुत कुछ इच्छाएं हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, लेकिन बॉडी नहीं कर पा रही है। बॉडी जो है एक जो है बॉडी उसको कहते हैं ना प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगी, क्योंकि थोड़ी सी उसको कन्फ्यूजन रहेगी। और कहीं पे ये भी कहता है कि बॉडी जो करना चाहती है वो इसलिए भी नहीं कर पाएगी क्योंकि आ नहीं सकती, कहीं पे जा नहीं सकती। एक उसको लग रहा है वो बड़ा बंद के रह गए, जेमिनाइज इसको बड़ा बंधन सा लगेगा कि हमने बांध लिया है। जैसे अब लॉकडाउन तो देखिए सबके लिए है, हर किसी के लिए है, तो जेमिनाइज के जो लोग हैं वो
उनको लगेगा उनको बांध दिया है, वो ऐसे कि जैसे कहीं जाना चाहते हैं, ऐसे ही उनका सोल का भी कार्ड आया है सेक्रीफाइस का। तो बस अपनी जो माइंड में जो चल रहा है उसको सेक्रीफाइस उनको करना पड़ेगा। उनको लगता है लगेगा कि हम कहीं कुछ करते, पार्टी करते, इंजॉय करते, कुछ अपने लिए शॉपिंग करते, अपनी तरफ ध्यान देते, उसमें वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं पे सोल कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग होगा, तो उससे थोड़ा सा जेमिनाइज थोड़े से उदास हो जाएंगे, उफ ऐसा होता था वैसा होता, लेकिन वो प्लानिंग पूरी रखेंगे माइंड में, वो बिल्कुल ही उस चीज़ को यकायक रखेंगे, और जैसे लॉकडाउन खुलेगा वो तो दौड़ पड़ेंगे मार्केट, मुझे तो ऐसा दिखता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल रीडिंग में एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं बैलेंस करियर एंड होम लाइफ। यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी रीडिंग में माइंड बॉडी सोल में कि आप करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप आराम की तरफ ध्यान देंगे, लग्जरीज की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपको एंजल्स आगाह कर रहे हैं कि ठीक है उन सब चीज़ों को करिए, लेकिन अपने जो है करियर की तरफ भी आप थोड़ा सा फोकस रहें, थोड़ा डिटर्मिनेंट रहें कि आपको करना क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे टैरो के, स्विच वर्ड्स के, सिजिल के, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजी और भी बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स पोस्ट करती रहती हूँ, आपके पास समय पर पहुँच जाए और आप उनका पूरा बेनिफिट ले सकें। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।